अक्षय कुमार सर। हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी में? हिंदी हिंदी ठीक है। तो बताइए अपने विषय में। सर मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली। और मैंने एमटेक किया हुआ है, मतलब पढ़ाई के तौर पर, और वैसे मुझे फिल्में देखना पसंद है। एमटेक किया है वैसे। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। बीटेक आपका किस साल का है? बीटेक 2012 का है सर। बीटेक आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था। आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती। अब सॉरी, मतलब C++। सी प्लस प्लस था। मुझे बताइए कि सी प्लस प्लस और सी शार्प, इन लैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिक अंतर क्या है? क्यों सी प्लस प्लस से सी शार्प की तरफ गए? सर एक्चुअली तो याद नहीं है। याद नहीं है। आपका मेजर प्रोजेक्ट किस चीज पे था? सर वो प्रोजेक्ट तो नहीं किया था बीटेक में प्रोजेक्ट नहीं किया? सर, वो एक्चुअली मतलब टाइम नहीं मिला। नहीं, बीटेक में तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा ना, एक 100 नंबर का होगा। सर वो मतलब याद नहीं है वो प्रोजेक्ट क्या किया था। अपना प्रोजेक्ट नहीं याद है? वेरी गुड। आपका एमफिल का रिसर्च किस चीज़ या पीएचडी का रिसर्च किस टॉपिक पे हो रहा है? सॉरी सर, वो याद नहीं है। तो बताइए कि भूगोल के, भारत के भूगोल के लिए इंपॉर्टेंट आईएसएसएन जर्नल्स कौन से हैं? सॉरी सर, वो याद नहीं है एक भी जर्नल नहीं देखते रिसर्च करने के लिए? सर, अभी मतलब देखा नहीं। अभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है? ये एक मेरे मतलब इंटरेस्ट का सवाल है एक्चुअली। वैसे देखा जाए तो काफी फिल्में हैं जो मुझे पसंद है मैम, लेकिन नंबर वन पे बोलेंगे तो सबसे बेस्ट मुझे लगती है हेरा फेरी। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया? दो कारण बताइए। एक्चुअली एक तो उसमें क्या है कि 21 दिन में पैसा डबल, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा, वो काफी वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है, बहुत मतलब ऐसे। इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है, बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। अब मुझे मुझे सुनाना है जोक? अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा एक हरामी दोस्त था, वो हरामी मुझसे पैसे मांग रहा था उधार। तो मैंने कहा कि देखिए, कोरोना का टाइम है, इसमें तू मुझसे क्या पैसे मांग रहा है, तू मुझसे कुछ भी मांग ले। उसी में हंसी आई होगी आपको। ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी सर। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं। थैंक यू सर।